कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। मटर बाजार के बारे में बात करेंगे, जानेंगे मटर बाजार में किस तरह कारोबार आज के दिन देखा जा रहा है। विदेशी बाजारों में लंदन मेटल एक्सचेंज यानी एलएमई के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे एमसीएक्स में बेस मेटल में किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड चल रहा है। साथ ही बात करेंगे दिल्ली और मुंबई के बाजार के बारे में, जानेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल यानी ट्रेडिंग रेंज, जानेंगे आज का कारोबार और आज का ट्रेंड। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कीजिए। तो अगर मिडिल बाजार के बारे में बात करी जाए, उतार चढ़ाव बाजारों में लगातार देखा जा रहा है। कल के दिन से फेड की मीटिंग की शुरुआत हुई है यूएस में और आज शाम तक उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो फैसला है वो आ जाएगा, जिसका असर हम आपको आने वाले समय में बताएंगे बाजारों पर किस तरह का पड़ा है। लेकिन अभी के बारे में अगर बात करी जाए तो ग्लोबल बाजारों में भी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार देखा जा रहा है और भारतीय बाजारों में भी काफी उतार चढ़ाव बना हुआ है। एलएमई और एमसीसी के बारे में सबसे पहले बात करी जाए तो बेस मेटल में कॉपर का एलएमई में लेवल 7732 रुपए देखा गया है, 646 रुपए एमसीसी कीमतें कॉपर में रही है। एल्यूमिनियम का लेवल आप एलएमई में 2338 रुपए देखा जा सकते हैं, 195.80 रुपए एमसीसी कीमतें एल्यूमिनियम में देखी गई है। लेड का लेवल 1876 रुपए एलएमई में रहा है, 180 रुपए एमसीएस की कीमतें लेड में देखी गई हैं। इसके अलावा जिंक के बारे में बात करते हैं, 3134 रुपए एलएमई की कीमतें जिंक में है, 279 रुपए आप एमसीएस का रेट जिंक में देखकर चल सकते हैं। गोल्ड के बारे में अगर बात करी जाए, 1670 रुपए कॉमन सी कीमतें हैं गोल्ड में, 49146 रुपए आप एमसीएस का रेट गोल्ड में देखकर चल सकते हैं। सिल्वर के बारे में बात कर लेते हैं तो 19.30 रुपए कॉमन सी कीमतें सिल्वर में है, 56538 रुपए आप एमसीएस का लेवल सिल्वर में देख कर चल सकते हैं। क्रूड ऑयल में जान लेते हैं, 85 रुपए से काफी नीचे क्रूड ऑयल का लेवल आ चुका है, 84 रुपए कॉमन सी कीमतें क्रूड ऑयल में चल रही हैं, 6737 रुपए आप एमसीएस का लेवल जो है वो क्रूड ऑयल में देख सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली मेटल बाजार के बारे में तो बेस मेटल में कॉपर सुपर एचडी का रेट दिल्ली के बाजार में 708 रुपए है, कॉपर केबल स्क्रैप की कीमतें 679 रुपए है, कॉपर आर्मेचर का रेट 668 रुपए देखा गया है। एल्युमिनियम के बारे में अगर बात करी जाए, एल्युमिनियम बर्तन का रेट आप 173 रुपए देख सकते हैं, एल्युमिनियम वायर स्क्रैप की कीमतें 199 रुपए है, एल्युमिनियम पुर्जे का रेट। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। पुर्जे का रेट बाजारों में 151 रुपए देखा जा रहा है। जिंक के बारे में जान लेते हैं, जिंक हिंदुस्तान की कीमतें 285 रुपए दिल्ली के बाजार में है। लेड का रेट 177 रुपए चल रहा है, LIBT कीमतें 190 रुपए चल रही है, बैटरी स्क्रैप का रेट बाजारों में 95/113 रुपए आप देख कर चल सकते हैं। निकल के बारे में अगर बात करी जाए, 1980 रुपए निकल की कीमतें हैं, ट्रिनागे का रेट 1775 रुपए चल रहा है, ब्रास पीतल कीमतें आप 464 रुपए देख कर चल सकते हैं। इसके अलावा एसएस बर्तन स्क्रैप का रेट दिल्ली के बाजार में 70 रुपए देखा गया है। मुंबई के बारे में अगर बात करी जाए, मुंबई के बाजार में कॉपर केबल स्क्रैप का जो रेट चल रहा है बाजारों में वो 650 रुपए है, कॉपर आर्मेचर का रेट आप 640 रुपए देख कर चल सकते हैं, ब्रास स्क्रैप की कीमतें 463 रुपए है, एल्युमिनियम स्क्रैप का रेट 154 रुपए बाजारों में देखा गया है। इंगट के बारे में बात करते हैं, जिंक इंगट का रेट 287 रुपए है, लेड इंगट की कीमतें 190 रुपए चल रही हैं, टिन इंगट का रेट बाजारों में 1770 रुपए रहा है, निकल कैथोड की कीमतें 2050 रुपए मुंबई के बाजार में देखी जा रही हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेडिंग रेंज जो चल रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो चल रहा है उसके बारे में। तो बाजारों में जो उतार चढ़ाव देखा जा रहा है ग्लोबली बाजार में, उसको देखते हुए एक अच्छा सपोर्ट का लेवल आप कॉपर में 665 रुपए देख कर चल सकते हैं, रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 675 रुपए है, लेड में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 176 रुपए है, रेजिस्टेंस लेवल 178 रुपए चल रहा है, जिंक में एक अच्छा सपोर्ट का जो लेवल है वो 280 रुपए है, रेजिस्टेंस लेवल 290 रुपए रहा है। निकल के बारे में अगर बात करी जाए, 1950 रुपए एक अच्छा सपोर्ट है निकल में और ऊपरी स्तर पर 2010 रुपए रेजिस्टेंस लेवल निकल में देखा जा रहा है। तो ग्लोबली बाजार इस वक्त काफी अस्थिर है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिल रहा है और फेड की मीटिंग में जो आज चल रही है बाजारों में, इसका कंक्लूजन आज शाम तक आएगा, जिसका असर हम आपको आने वाले समय में बताएंगे किस तरह का देखा गया है। अगर फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है या फिर बाजार से जुड़ा कोई अहम फैसला लिया जाता है तो उस चीज की जानकारी हम आपको आने वाले समय में जरूर देंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट खास तौर से बढ़ता है तो बाजारों में, ग्लोबली बाजारों के साथ साथ भारतीय बाजारों पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो फिलहाल के लिए, आज के लिए स्टेबल ही नजर आ रहा है, बाजारों में तेजी नहीं है और आने वाले समय में गिरावट आने की उम्मीद लगाई जा रही है। फेड की मीटिंग पर सब निर्भर करने वाला है, हमारी सलाह आपके लिए यही रहेगी कि बाजारों में व्यापार करने के लिए आप वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं।
तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।